नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ मोदी सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। आपसी दल यहां पर एक दूसरे पर कड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि हाल ही में बिहार में महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी ने बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर यहां नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार को गड्ढे में धकेलने का काम किया है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। माहौल कैसा मिल रहा है मुकेश सहनी जी? माहौल एकदम ही बढ़िया है और आप देख रहे कि लोग रोज लगातार अभी भी हम गया जाके आए हैं और शानदार कार्यक्रम रहा। आप लोगों के पास वीडियो आएगा, आप देखिएगा कि भीड़ इतना बड़ा भीड़ है कि मोदी जी भी इससे पहले भी कार्यक्रम किए हैं। हम मोदी जी अपने एजेंसी से पता कर ले कि किनके रैली में ज़्यादा भीड़ है। तो मजबूती से बिहार के लोगों में मन हो गया है, खास करके बिहार के युवा जो मोदी जी के 2014 में जो झांसे में आए थे कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे और युवा 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब नौकरी हमको मिलेगा। और इस बार युवा जो है तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है। जो युवा था 2014 में, मान लीजिए 25 साल का अगर वो युवा होगा तो आज वो 35 साल का हो गया। और जो युवा के बारे में सुना होगा जो 35 साल का है वो अभी 45 साल का हो गया। और घर परिवार में आप समझ सकते हैं जो युवा को नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, उस युवा को घर परिवार में भी उतना जितना इज्जत मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये सच्चाई है, समाज में भी इज्जत नहीं मिलता है। तो बिहार में खास करके युवा मन बना लिया है कि हम सरकार बदलेंगे और ये सरकार जो है निजीकरण में ज़्यादा विश्वास रखता है, सारा चीज़ को प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, अडानी अम्बानी को देने में लगे हुए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसे जगह जहाँ पर सरकारी नौकरी का उम्मीद होता है वो सब ठेकेदार को दिया जा रहा है। आप देखिए जो सेना में जो बहाली होता है, खास करके उसमें बहुत सारे हमारे युवा साथी वो उम्मीद करता कि देश के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार रहने के लिए बॉर्डर पे जाते हैं, उसको भी आपने देखा कि अग्निवीर में बदल दिए, 4 साल के लिए उन्होंने योजना ला ले आया। तो तमाम ऐसे चीज़ें को देखते हुए बिहार के युवा ने मन बना लिया है इस बार मोदी जी को बदलेंगे। नहीं देखिए, ये तो पहले से ही है कि देश में तानाशाह के जैसा रवैया है, दो दो मुख्यमंत्री को फर्जी केस में अंदर कर दिए हैं और ये देश के लिए सही नहीं है। हमारे पूर्वज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इसलिए नहीं मरे, शहीद हुए कि हमारे आने वाला पीढ़ी को लोग परेशान करे, सर उठा के जिएगा। ये लोकतंत्र है ना ही कि राजतंत्र है, लेकिन मोदी जी इसको राजतंत्र के और लेके जा रहे हैं और गलत तरीके से मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए हैं। खैर, हम लोगों को पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है, आने वाला समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अश्विनी चौबे नाराज है, रोहिणी आचार्य ने निमंत्रण दिया है चुनावी प्रचार में आने के लिए, क्या महागठबंधन में अगर वो आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे? नहीं, जब हमारे गठबंधन के द्वारा से स्वागत है तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएं और उनका टिकट कट जाए, तो मुझे लगता कि ये तो सीधा हिटलर सा ही रहा। खैर, वो जहाँ पे भी हैं जैसे भी हैं हम लोग उनके साथ। तो आपने सुना यहाँ पर मुकेश सहनी को जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी का आलम मचाया है, जिस तरीके से बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे में आने वाला वक्त बदलाव का होगा और जनता ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार को उठाकर फेंकना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।